अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा कुरान हिफ्ज़ हो गया है। मैं आज ना बहुत खुश हूँ क्योंकि ना मेरा कुरान मुकम्मल हुआ है। तो ना अब हम मिठाई वाली दुकान पे जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। मैं अपनी पसंद से मिठाई लूँगा। हम ना मिठाई वाली दुकान पे आ गए थे, भाई ने हम मिठाई डाल रहे डब्बे के अंदर, तो फिर हम लेके जाएंगे। ये देखिए हमारी मिठाई डब्बे में डाल दी है, तो ना हम लेके चलते हैं। मैंने ना मिठाई ले ली है, तो ना हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने दादा व दादी अम्मी के पास ये खुशी की खबर सुनाने कि मेरा ना कुरान पाक मुकम्मल हो गया, मैंने हिफ्ज कर लिया पूरा। तो उनका मुंह भी मीठा करवाते हैं जाके। अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में दादा बू दादी में को नहीं पता कि मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया। हम जाके उन्हें सरप्राइज देते हैं और साथ मिठाई भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना आपको एक सूरत पढ़ के सुनाता हूँ कुरान पाक की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। हम ना दादा बू के घर के बाहर आ गए हैं, तो ना अब उन्हें खुशी की खबर सुनाते हैं और उन्हें मिठाई खिलाते हैं। तो गाइस, मैंने ना दादा बू दादी में को सरप्राइज़ दे दिया था, तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी थी और मुबारकबाद भी दी थी, और मुझे साथ इनाम भी मिला था, उन्होंने मुझे इनाम भी दिया था। तो गाइस, अब हमने वापस जा रहे हैं अपने घर। तो यहीं छोटी सी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल फनान एंड फिजान व्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।